तो आखिरकार शाहरुख की फिल्म जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ है। जी हाँ, प्रीव्यू रिलीज किया गया है। इसके लगभग 2 दिन के बाद इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, लेकिन प्रीव्यू एक बहुत बड़ा आइडिया दे रहा है फिल्म कैसी होने वाली है, लुक एंड फील क्या है। सबसे बड़ी बात, शाहरुख की लुक्स को लेकर के बहुत सारे कयास थे, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, वो भी इस प्रीव्यू से क्लियर हो गया है कि शाहरुख की लुक में दरअसल क्या है खास। आपको बता दें कि शाहरुख की लुक इसमें आपको एक नहीं कई सारे रंगों के साथ दिखने वाली है, यानी कि शाहरुख जो हैं कई अंदाज में दिखने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि यही दरअसल जो एटली है उनकी खासियत है। अपने एक कैरेक्टर के वो कई शेड्स को दिखाते हैं, वही आपको जवान में भी दिखने वाला है। शाहरुख डबल रोल में है, ये बात प्रीव्यू से क्लियर हो गई है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि वो बाप और बेटा हो सकते हैं और ये उनका डबल रोल हो सकता है। अब जहाँ तक प्रीव्यू के सक्सेस की बात है, लोगों को बहुत पसंद आया है। हर एक सीक्वेंस में लोग ये कह रहे हैं कि किंग खान का ये साल है, क्योंकि 4 साल के बाद आपको पता है कि पठान आई थी इस साल की शुरुआत में, जिसने 1,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और सबसे बड़ी ग्रॉसर वो बन गई कमाई के लिहाज से इंडियन सिनेमा की। और अब कहा जा रहा है कि शाहरुख ही अपना रिकॉर्ड यानी पठान का रिकॉर्ड जवान से तोड़ने वाले हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो इटली का एक टिपिकल स्टाइल ऑफ सिनेमा है वो इसमें दिखने वाला है। साउथ की कई बड़ी फिल्में हैं, कोई विक्रम की बात कर रहा है, कोई अपरिचित की बात कर रहा है, जिसका इसके अंदर आपको अक्स नज़र आने वाला है। लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट मिले, अगर आपको शाहरुख की वो जो एक USP है, जो अंदाज है जो इसमें दिख रहा है वो मिले, और फिल्म आपको बोर ना करे, तो इसमें हर्ज ही क्या है। सबसे खास बात ये है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में है, एक बहुत अहम रोल में है, और इसे पूरी तरह से टॉप सीक्रेट रखा गया, इस बात की भनक ही नहीं लगी। लेकिन प्रीव्यू में ये दिखाई दे रहा है जब वो शाहरुख को पटखनी देती है, और उससे पता चलता है कि दीपिका पादुकोण इसमें बहुत ही खास रोल में है। नयनतारा का रोल पहले से पता ही था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक लेडी बॉस के रोल में वो दिखाई दे रही हैं। सानिया मल्होत्रा हैं इसमें, नयनतारा के साथ विजय सेतुपति हैं, और विजय सेतुपति और शाहरुख की जो केमिस्ट्री है उसकी बातें तो डे वन से हो ही रही हैं, जो इस फिल्म में देखने लायक है। कुल मिलाकर शाहरुख की ये जवान एक कम्प्लीट पैकेज के तौर पर आ रही है। शाहरुख के वो अंदाज जो शायद काफ़ी वक्त से लोग मिस कर रहे थे, इसमें आपको वो दिखने वाला है। फिर चाहे वो रोमांस हो, फिर चाहे वो एक्शन हो, एक अलग अंदाज हो। सबसे बड़ी बात है, एटली जो है वो एक मंझे हुए फिल्म मेकर माने जाते हैं, और वो ये जानते हैं कि एक कैरेक्टर के अंदर से दी बेस्ट कैसे लेकर आना है, यही आपको इस प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। फिलहाल लगभग इसके 48 घंटों के बाद इसका ट्रेलर आने वाला है, जिसमें शाहरुख का असली अंदाज दिखने वाला है। कुल मिलाकर जहां तक जवान के प्रीव्यू की रेटिंग की बात है, तो ये एक बेहतरीन है। 5 में से 4 रजिस्टर इस प्रीव्यू के लिए जाते हैं।